बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ईद का चांद हो गया है आप सबको देखने वालों को, अहलियाने पाकिस्तान को, अहलियाने वतन को, अहलियाने इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। हम यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों को ईद के गिफ्ट बांट रहे थे अली शेखानी साहब की तरफ से। इत्तेफाक से गवर्नर साहब यहाँ आ गए, निहारी खाने हम भी आ गए, और गवर्नर साहब के साथ एक और बहुत बड़े सेठ फरुख अमीन साहब, यूनिटी फूड के ऑनर आ गए। गवर्नर साहब ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। आपको पता है ना, जब भी किसी को ईद मुबारक कोई छोटा बोलता है, जब कोई छोटा ईद मुबारक बोलता है तो बड़ा उसके बाद क्या करता है? मेरे ख्याल से तो फिर ईद ही देता है। ईद ही देता है फरुख भाई, ऐसे ही होता है ना? आपका भी ऐसे ही होता होगा। कब देंगे आप? अनाउंस कर दे, मैं आपसे ले लूंगा। कितनी ईद है आपकी तरफ से? जेडीसी को हमारी तरफ से, ठीक है, आपको खासतौर पे। ठीक, पहले तो आप जेडीसी की कर रहे हैं। 10 लाख रुपए। और मेरी कितनी है बताएं? आपकी भी 10 लाख। 10 लाख रुपए ही थी। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, जैसे हमारे फरुख अमीन भाई ने कहा, मैं अपनी जानिब से ज़ाती तौर पे 1 मिलियन रुपीज आपको दे रहा हूँ। मुझे पता है आप खुद नहीं रखेंगे, लेकिन ये उन्हीं इस शहर के राइडर्स या रक्षा वाले, चिंची वाले, जिनको भी आप समझते हैं, ये ईदी वहाँ पहुँच जाए। ये तो अमानत वहाँ पहुँच गई। अब जो मेरी जेब में आनी है अमानत, वो कितनी बता दें? आपको मैं दे रहा हूँ 1000 रुपए। गवर्नर साहब कमाल कर दिया, माशाल्लाह। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चले भाई, यानी कि 10 लाख 1000 रुपए मेरी जाती ईदी हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।